नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में कि शीघ्रपतन होता क्या है, किस कारणों की वजह से होता है, इसके साथ ही होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं ऐसी इफेक्टिव है जिसको परमानेंट ठीक कर सकती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। दोस्तों, प्री मेच्योर इजैकुलेशन हम तब कहते हैं जब जो पुरुष होते हैं उनमें 2 मिनट या 2 मिनट से पहले उनके स्पर्म इजेकुलेट हो जाए, मतलब उनका डिस्चार्ज 2 मिनट से पहले हो जाए जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तब। तो ऐसी कंडीशन को हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। नॉर्मली दोस्तों अगर देखें तो नॉर्मली 4 से 8 मिनट नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन जब यहाँ इससे कम हो जाए या स्पेशली दोस्तों हम तब डायग्नोस करते हैं जब हमेशा जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं 2 मिनट या 2 मिनट से कम टाइम में उनका इजेकुलेट हो जाए, स्पर्म का डिस्चार्ज हो जाए, वैसी कंडीशन को हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ किन कारणों की वजह से होता है। सबसे मेन रीज़न दोस्तों यही होता है कि सेरोटोनिन लेवल कम होना। मतलब दोस्तों, सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन, ऐसा केमिकल्स होता है हमारे ब्रेन में जो क्या करता है कि हमारा मूड को एलिवेट करता है। जब इस लेवल का कम हो जाता है, मतलब सेरोटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें एक्साइटेशन ज़्यादा होती है और एक्साइटेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक सेरोटोनिन लेवल की वजह से भी यह होता है, इसके साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अगर कम हो जाता है तब भी हमें समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ दोस्तों कोई डिसीज़ होती है या कोई प्रोस्टेट में आपको इन्फेक्शन है या आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है, तो इसी कंडीशन में भी यहाँ समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों कुछ डाइट्स होती है, जब आप अनहेल्थी डाइट्स लेते हैं, मतलब बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड्स खाते हैं ज़्यादा या ज़्यादा स्वीट्स लेते हैं, इन सब डाइट की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसको और जो दोस्तों जो मेन रीज़न है, एक और स्ट्रेस होता है ज़्यादा, आप लंबे समय से अगर डिप्रेशन में है तो उसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों डिप्रेशन, जब आप डिप्रेशन में रहते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो सेरोटोनिन लेवल है वह कम हो जाता है। तो जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो उस वजह से आपको यह सब समस्या आने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों सेरोटोनिन क्या करता है, पूरे मूड को एलिवेट करता है। मतलब हमारे मूड को किस तरह रखना है, बिहेवियर कैसा रखना है, नेचर कैसा रखना है, नेचर वेचर सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। यहाँ मेनली दोस्तों सेरोटोनिन लेवल अगर डिप्रेशन में जब आप लंबे समय से रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में यह कम होने लग जाता है, और यह कम होगा तो आपको एक्साइटेशन होता है, और एक्साइटेशन होता है तो अर्ली डिस्चार्ज होता है। तो दोस्तों सेरोटोनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी हमें रेगुलेट करना चाहिए। तो यहाँ मैं कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन की बात कर लेता हूँ दोस्तों जो इसमें काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब आपको अगर यह सब समस्या है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की तो यह बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊँगा जो बिल्कुल इसमें इफेक्टिव है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो आपको यूज़ करना है वहाँ है स्टेफाइसेग्रिया 30 पोटेंसी में। दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया काफ़ी इफेक्टिव है जब आपको अर्ली इजैकुलेशन होता हो, और स्पेशली यह तब इंडिकेट होती है जब आपको ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है और आपने ज़्यादा टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी की है उसके बाद आपको यह समस्या आने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है, तो यहाँ भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों इसके साथ एक और मेडिसिन जो आपको यूज़ करना है वह है लाइकोपोडियम 1 mg। दोस्तों लाइकोपोडियम 1 mg को आप वीकली यूज़ करना है, मतलब हफ्ते में एक बार यूज़ करना है। स्टेफाइसेग्रिया 30 को तो आप रेगुलर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो लाइकोपोडियम 1 mg भी दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव है अगर आपको यह सब समस्या है या आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, तो ऐसी समस्या आपको यहाँ भी साथ में यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी इफेक्टिव होता है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या शामिल करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा मदर टिंचर, उसके साथ लेना है दोस्तों डेमियाना मदर टिंचर, उसके साथ लेना है आपको एसिडफोस मदर टिंचर। तीनों मदर टिंचर को दोस्तों एक में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद 20 से 30 बूंद थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार रेगुलर यूज़ कीजिए। आपको दोस्तों 3 महीने के अंदर परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। ये जो मैंने मेडिसिन जितनी मेडिसिन बताई है दोस्तों आपको सारी मेडिसिन को यूज़ करना है। इन तीनों सब मेडिसिन को आप यूज़ करेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको रिजल्ट देखने के लिए भी दोस्तों कम से कम 2 से 3 महीने तो यूज़ करना पड़ेगा, और आप परमानेंट अगर ठीक होना चाहते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने आप यूज़ करेंगे इस कॉम्बिनेशन को, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देता हूँ कि क्या टिप्स हैं, क्या मतलब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की क्या मेन रीज़न है, क्यों होता है। दोस्तों प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मेन रीज़न यही होता है कि स्ट्रेस डिप्रेशन जो मैंने आपको बताया है, स्ट्रेस थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, डाइट में आप एग्स खाइए, पाइनएप्पल जूस पीजिए, थोड़ा सा फल फ्रूट्स ज़्यादा शामिल कीजिए। इसके साथ दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ज़्यादा मीथ होता है लोगों में जो ज़्यादा समझते प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब उनको शीघ्रपतन में ज़्यादा तक जो मीथ होता है, मतलब उनको गलतफहमी रहती है, वो यह है कि उन्हें अगर जब भी मतलब जब भी उनके पार्टनर से
सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनको इजेकुलेट हो जाता है। तो वो होता क्या है दोस्तों कि जब आप फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी दिन बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्साइटेशन ज़्यादा होता है। तो एक्साइटेशन टाइम पर आपको अगर जल्दी इजेकुलेट हो जाए मतलब एक मिनट या दो मिनट से पहले तो वह नॉर्मल होता है, लेकिन यह समस्या अगर बार बार रेगुलरली रहती है, हर बार सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं आप और एक दो मिनट से पहले इजेकुलेट हो जाए तो ऐसी समस्या को ही आप इजेकुलेशन समझे। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग आप यंग एज में जो देखते हैं वो काफ़ी दिन बाद कभी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मैं तो बस एक ही बार में जब हमने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई तो इजेकुलेट जल्दी हो गया हमारा, तो हमें प्रीमैच्योर इजेकुलेशन समस्या है। दोस्तों यहाँ वो समस्या नहीं होती है, अगर आपको रेगुलर टाइम है बार बार रेगुलरली आपको ये समस्या आती है, रेगुलर आपका बार बार अर्ली डिस्चार्ज होता है तो ही आप इसे प्रीमैच्योर इजेकुलेशन समझ सकते हैं। और आपको यह समस्या है तो आप मैंने जो होम्योपैथी मेडिसिन बताई है वह रेगुलर यूज़ कीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्तों, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।